हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड शॉर्ट्स में। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? क्या होगा अगर धरती से बिजली चली जाए और वापस ना आए? आज की फिल्म की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। आज मैं आपको सर्वाइवल फैमिली नाम की एक जैपनीज ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा। सुजुकी परिवार टोक्यो के सबर्बन पार्ट में रहने वाले चार लोगों का परिवार है। फिल्म की शुरुआत में हम उन्हें उनके छोटे से अपार्टमेंट में देखते हैं। पिता योशी यूकी सुजुकी टेलीविजन देखने का आनंद ले रहे हैं, जबकि उनके बेटे केंजी और बेटी यूई अपने फोन पर हैं। हम देखते हैं कि परिवार मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और शायद ही कभी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अगली सुबह योशी यूकी देर से उठता है और देखता है कि उसकी अलार्म घड़ी काम नहीं कर रही है। वह बाहर भागता है और अपनी पत्नी मित्सुई से पूछता है कि यह क्या समय है। मालूम पड़ता है कि कोई भी घड़ी काम नहीं करती है। मित्सुई उसे यह भी बताती है कि बिजली से चलने वाली हर चीज़ ने बिजली चली जाने के कारण काम करना बंद कर दिया है। यूई जाग जाती है और एसी टीवी को काम ना करता देख घबरा जाती है। योशीयुकी ने बिजली कंपनी को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन भी डाउन हो गया। पिता और बच्चे जल्दी से तैयार हो जाते हैं और काम और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वे भीड़ देखते हैं जो कि लिफ्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि बिजली चली जाने के कारण से लिफ्ट भी रुक गई है। सीढ़ी से हर कोई नीचे की ओर उतर रहा है। अजीब और अचानक बिजली आउटेज से परेशान होता है। योशीयुकी को पहले ही देर हो चुकी है, इसलिए वह रेलवे स्टेशन के लिए दौड़ता है, लेकिन वहां भी भीड़ लगी है। फिर से यह पता चलता है कि आउटेज ने ट्रेनों को रोक दिया है। लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे अगली सूचना जारी होने तक। लोग एक विकल्प के रूप में बस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी बिजली और ईंधन से चलने वाले सिस्टम बंद हैं। उसी समय हम देखते हैं कि केंजी अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा है। आमतौर पर चहल पहल वाले शहर में चलने वाले वाहन नहीं चल रहे होते। हैरान केंजी साइकिल को आगे बढ़ते हुए सब लोगों को काम पर पैदल जाते हुए देखता है। दो बड़े लोग ईर्ष्या से साइकिल पर केंजी को देखते हैं। योशीयुकी अंत में अपने ऑफिस पहुंचता है तो पता चलता है कि ऑटोमेटेड मेन डोर्स बंद है। यह और भी अजीब है कि उनकी कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि क्या समय हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद उसके दो साथियों ने कांच का दरवाज़ा तोड़ दिया और सब काम के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन निराशा जल्द ही उन पर छा जाती है जब उन्हें पता चलता है कि ऑफिस के कंप्यूटर भी बिजली ना होने से काम नहीं कर रहे। इस बीच मित्सुई अपार्टमेंट के बाहर अपने दोस्तों से मिलती है और बिजली गुल होने पर चर्चा करती है। उसके दोस्त रात के लिए कुछ मोमबत्तियां लेने के लिए दुकान पर जाते हैं। मित्सुई उलझन में है क्योंकि उसका मानना है कि रात तक बिजली वापस आ जाएगी, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्तों के साथ जाती है। किराने की दुकान पर लोग फूड आइटम्स, वाटर और अन्य सप्लाईज का स्टॉक भरते हैं। मित्सुई भी ऐसा ही करती है और सामान का बिल पे करने के लिए लंबी लाइन में इंतजार करती है। चूंकि मशीनें काम नहीं कर रही हैं, कैशियर ने घोषणा की कि वे केवल कैश लेंगे, इसलिए कुछ लोग एटीएम से पैसे निकालने के लिए लाइन से हट जाते हैं, लेकिन एटीएम भी काम नहीं करते हैं। योशीयुकी के ऑफिस में लोगों को एहसास होता है कि ये नॉर्मल पावर आउटेज नहीं है और उनको इस सब के पीछे का कारण भी नहीं पता है। उनके बॉस उन्हें उस दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं क्योंकि वे कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। घर लौटते समय योशीयुकी एक साइकिल की दुकान पर जाता है, पर पावर आउटेज के कारण साइकिल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन योशीयुकी फिर भी एक साइकिल खरीद लेता है। रात में सुजुकी परिवार घर में चारों ओर मोमबत्तियां जलाकर अपना खाना खाता है शांति से। केंजी टॉयलेट में जाते हैं और पता चलता है कि टॉयलेट में फ्लश काम नहीं कर रहा है, साथ ही नल ने भी काम करना बंद कर दिया है। यूई परेशान है क्योंकि बिजली गुल होने से नलों में खराबी नहीं आनी चाहिए। रात के खाने के बाद बच्चे हमेशा की तरह अपने कमरे में वापस चले जाते हैं, लेकिन वे जल्द ही बोर हो जाते हैं अपने फ़ोन और इंटरनेट के बिना। फिर पूरा परिवार बालकनी में इकट्ठा होता है और आसमान की तरफ देखता है। अंधेरे में डूबा हुआ शहर सितारों से आने वाली रोशनी को और बढ़ाता है। परिवार एक साथ क्वालिटी टाइम का आनंद लेते हैं काफ़ी समय बाद। बिजली आउटेज होने के बाद अब तीसरा दिन है। परिवार का अपार्टमेंट खराब स्थिति में है। गंदी प्लेटें सिंक में जमा हो गई हैं क्योंकि पानी नहीं है। मैले कपड़े लटके हुए हैं अपार्टमेंट में। महज तीन दिनों में बिना बिजली के लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आ गया है। उस दिन योशीयुकी के ऑफिस में उनके बॉस ने सबको काम पर आने से मना कर दिया जब तक बिजली वापस ना आ जाए। योशीयुकी ने उल्टा जवाब देते हुए कहा कि अगर वे काम नहीं करते हैं तो वे पैसे नहीं कमा पाएंगे, लेकिन उनके बॉस ने उन्हें अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कहा। बॉस बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में टोक्यो जैसे शहर में रहना बेहद मुश्किल होगा,
क्योंकि उनके पास जल्द ही फूड और वाटर खत्म हो जाएगा। ऑफिस के बाद योशियोकी अपने बॉस को परिवार के साथ ग्रामीण इलाकों में जाते हुए देखता है। योशियोकी भी ऐसा ही करने का विचार कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाद में हम देखते हैं कि मित्सुई पानी लेने के लिए पास की पानी की टंकी पर जाती है, लेकिन उसे भीड़ के साथ वापस भेज दिया जाता है क्योंकि टैंक में भी पीने का पानी खत्म हो जाता है। इस बीच योशियोकी बैंक जाता है कुछ पैसे निकालने के लिए, लेकिन भीड़ द्वारा इधर उधर धकेले जाने के बाद वापस लौट आता है। बिजली गए हुए 7 दिन हो चुके हैं। सभी किरानों की दुकानों में फूड और अन्य सप्लाईज का सामान खत्म हो गया है। ऑफिस और स्कूल बंद हो गए हैं और बिजली जाने के कारण सभी कारखाने बंद हो गए हैं। अधिक से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं और सुजुकी परिवार भी ऐसा करने का फैसला करता है। अगले दिन वे अपना बैग पैक करते हैं और सुबह सुबह साइकिल से निकल जाते हैं। बच्चे अपनी अपनी साइकिल पर बैठ जाते हैं, जबकि योशियोकी मित्सुई को अपनी साइकिल के पीछे बैठाता है। उन्हें पीने का पानी बीच यात्रा में ही खरीदना पड़ता है, लेकिन सभी दुकानों में इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। मित्सुई बार्गेन करती है और कुछ कम कीमत पर पानी लेने में सफल हो जाती है। वे आराम करने और दिन के खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और खाने के तुरंत बाद निकल जाते हैं। उन्हें बताया गया कि उड़ानें अभी भी चल रही हैं, लेकिन वह निराश हो जाते हैं यह देखकर कि हवाई अड्डे के बाहर भीड़ अधिकारियों से शिकायत कर रही है। यह पता चलता है कि उड़ानें हाल ही में रद्द कर दी गई हैं और बिजली वापस आने तक फिर से शुरू नहीं होगी। अब कहीं भी ना जाने की वजह से परिवार पास के एक होटल पहुंच जाता है। होटल की मालकिन उनकी इस सिचुएशन का फायदा उठाती है और उन्हें बहुत ही ज्यादा प्राइस पे रूम देती है, लेकिन परिवार शिकायत नहीं करता। रात में यूई ने सुझाव दिया कि घर वापस चले जाएं, लेकिन योशियोकी के अनुसार टोक्यो में फूड या वाटर बचा नहीं है, वहां जीना असंभव है। उन्हें साइकिल से कागोशिमा जाना होगा। अगले दिन केंजी और यूई एक किताबों की दुकान में जाते हैं और स्थानों को नेविगेट करने के लिए एक मैप लेते हैं। इस बीच योशियोकी और मित्सुई शराब की 2 बोतल देके एक साइकिल और कुछ खाने का सौदा करते हैं। फिर परिवार अपनी यात्रा पर चल पड़ता है। कुछ घंटों के बाद वे अंततः एक हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहां उनके जैसे कई यात्री ग्रामीण इलाकों की ओर जा रहे होते हैं। रात में वे एक शिविर में रुकते हैं और साथी यात्रियों के साथ वहीं रहने का फैसला करते हैं। एक जोड़ा उन्हें पानी पीते हुए देखता है और थोड़ा मांगता है, लेकिन परिवार झूठ बोलता है यह कहकर कि यह आखिरी बोतल है। वे खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वे यात्रा जारी रखते हैं और लाशों से भरी एक अंधेरी सुरंग में पहुंच जाते हैं। इसे पार करने के लिए बूढ़ी महिलाओं द्वारा उनकी मदद की जाती है। बिजली गए हुए 16 दिन हो चुके हैं और परिवार एक नदी के किनारे है, जब उनकी पानी की आखिरी बोतल खत्म हो जाती है। कोई और रास्ता ना होने पर योशियोकी सीधे नदी का पानी पीता है। नदी के किनारे से निकलने के बाद एक बड़ा तूफान आता है, जिससे परिवार अपनी साइकिल और सामान छोड़ने पर मजबूर होता है और पास के इलाके में शरण लेता है। तूफान के बाद वे अपनी बाइक लेने वापस जाते हैं, यह देखने के लिए कि उनका एक पहिया टूट गया है। उनके कपड़े और खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया। जल्द ही वे पास के एक शहर में पहुंच जाते हैं और बच्चे भोजन और पानी की तलाश में चले जाते हैं। योशियोकी और मित्सुई को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। वे एक दुकान मिलने पर उत्साहित हैं, लेकिन देखते ही कि फूड सेक्शन में सब कुछ खत्म हो गया है। केंजी साइकिल के पहिए ढूंढता है, लेकिन वह भी बिक गए होते हैं। फिर उसे बैटरी वाटर मिलता है, जो एक तरह का डिजिटल पानी होता है और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूई को बिल्ली के खाने का डब्बा मिलता है और वह उसे अपने माता पिता के पास लाती है। यूई पहली बार बिल्ली के खाने को टेस्ट करती है और इसे बुरा लगता है, लेकिन परिवार को जीवित रहने के लिए समझौता करना पड़ता है। केंजी अपने फ़ोन के कवर का उपयोग करके पहिया ठीक करता है और वे फिर से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। 1 सप्ताह तक वो लोग बैटरी वाटर और बिल्ली के खाने पर जीवित रहते हैं। कैंपर्स सड़क किनारे खाने लायक पौधों के बारे में समझाते हैं। उनमें से एक नॉन डिजिटल कैमरे से परिवार की तस्वीर लेता है और वादा करता है कि बिजली वापस आने पर उन्हें भेजेगा। वे कुछ घंटों के लिए एक साथ यात्रा करते हैं और फिर अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 43वें दिन वे एक एक्वेरियम के सामने पहुंचते हैं, जहां लोग मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें खाते हैं। परिवार खुशी खुशी लाइन में लग जाता है, क्योंकि उनके पास अब कम भोजन बचा है, लेकिन उनकी बारी आने से पहले सब कुछ बिक जाता है। योशियोकी मछली बेचने वाले व्यक्ति से बच्चों को कुछ देने की भीख मांगता है, पर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक निराश परिवार यात्रा साथ में आगे बढ़ाता है, लेकिन जल्दी थक जाते हैं भोजन और पानी की कमी की वजह से। एक दिन वे एक ऐसे खेत में पहुंच जाते हैं जहां योशियोकी एक कीड़ा खाने वाला होता है। तभी उन्हें पास में एक सुअर दिखाई देता है,
जब योशियो की सुअर को पकड़ने में सफल हो जाता है तो परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन वे भूख से मरते हुए भी इसे काटने से हिचकते हैं। तभी एक आदमी उनके पास आता है और सुअर को काट देता है। वह अपना नाम तनाका बताता है और परिवार से सुअर को अपने खेत में लाने में मदद करने के लिए कहता है। अपने घर पर वह योशियो की और उसके परिवार को खाना खिलाता है। वे बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों वह लोग भूखे रहे थे। अगले सप्ताह के लिए वे तनाका के साथ रहते हैं, लेकिन फिर से गांव की तरफ अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। 3 दिन बाद वे एक नदी के पास पहुंचते हैं। यह पता चला कि वे जिस मैप को फॉलो कर रहे थे वह पुराना था, इसलिए अब उन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी होगी। वे लकड़ी के टुकड़ों से एक बेड़ा बनाते हैं और मित्सुई और यूही को दूसरे छोर तक पहुंचा देते हैं। योशियुकी और केंजी वापस साइकिल लेने लौटते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और तेजी से बहता पानी योशियुकी को अपने साथ बहा ले जाता है। केंजी अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे पानी में उनका विग ही मिलता है। अब परिवार नदी के किनारे बैठकर रो रहा होता है, बिकॉज उनको पता नहीं था कि योशियुकी गंजा था। योशियुकी का परिवार उसकी मृत्यु का शोक मनाते हुए रो रहा था। कुछ समय बाद वे तीनों पैदल अपनी यात्रा जारी रखते हैं और 94 दिन गुजर जाते हैं, क्योंकि तनाका का दिया भोजन अब तक उनके पास था। वे एक रेलवे ट्रैक के साथ चल रहे हैं जब अचानक कुछ कुत्ते मित्सुई पर हमला करते हैं, जिससे वह सड़क से गिर जाती है। बच्चे अपने माँ को बचाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि उनका पैर टूट गया है। वे उसे वापस ट्रैक पर ले जाते हैं, लेकिन कुत्ते फिर से हमला करते हैं। तभी स्ट्रीम ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है तो परिवार हैरान होता है। उन्हें लेने के लिए ट्रेन पटरियों पर रुकती है। चूंकि यह कोयले से चलती है, इसलिए ट्रेन अभी भी चालू है। अंदर बैठे लोग मित्सुई की चोटों की पट्टी करते हैं और परिवार की मदद करते हैं। अगले दृश्य में हम योशियुकी के शरीर को नदी के किनारे देखते हैं। सौभाग्य से वह जाग जाता है और पास के ट्रैक में पहुंच जाता है। तभी स्टीम ट्रेन जिसमें उसका परिवार है पास से गुजरती है। योशियुकी लोगों का ध्यान खींचने के लिए स्मोक टॉर्च का इस्तेमाल करता है। आखिर ट्रेन रुक जाती है और परिवार खुशी से फिर से मिल जाता है। ट्रेन फिर उसे उनके डेस्टिनेशन तक ले जाती है। वे सालों बाद मित्सुई के पिता से मिलते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बिजली गए हुए अब 2 साल और 126 दिन बीत चुके हैं। सुजुकी परिवार कागोशिमा के खूबसूरत गांव में रह रहे हैं। वह लोग एक खुशहाल जीवन जीते हैं, मछली पकड़कर और अपने कपड़े खुद बनाकर। एक दिन योशियुकी एक अलार्म घड़ी की घंटी बजने पर जागता है। फिर पूरा गांव उठकर देखा है कि बिजली फिर आ गई। लाइट बल्ब काम करने लगते हैं और फोन बजने लगते हैं। हर कोई आश्चर्यचकित है, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी को नहीं पता कि बिजली वापस कैसे आई। कुछ हफ्ते बाद परिवार टोक्यो में अपने पुराने जीवन में वापस आ गया है। खबरों में कहा गया है कि सूरज पर सोलर फ्लेयर के कारण 2.5 साल तक लंबे समय तक बिजली चली गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक आतंकवादी संगठन ने किया था, लेकिन अभी तक इसके कारण की पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म समाप्त होती है जब परिवार को एक तस्वीर मिलती है जो एक अजनबी ने यात्रा के दौरान ली थी। जीवन में जिन चीज़ों को हम हल्के में लेते हैं, बिजली जाने की वजह से लोग वह छोटी छोटी चीज़ों की कदर करना सीख गए हैं। जैसे सुजुकी परिवार, जिन्हें एक दूसरे की परवाह नहीं थी, कठिनाइयों का सामना करने की वजह से उन्हें एक दूसरे के पास ले आई। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।